every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Hello everyone, assalamu alaikum, welcome back to my another vlog. कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये है मेरा नेक्स्ट व्लॉग, पहला वाला मैंने एंड कर दिया था और मैं अभी से दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो हम जा रहे हैं दूसरी बार ज्यारत पे, अभी हो रहे हैं रात के 12 बजने वाले हैं और इस टाइम बिल्कुल भीड़ नहीं होगी ऐसा मुझे लग रहा है। तो पहले इन मैडम को लेके जाते हैं, इनके साथ जाएंगे, फिर उसके बाद नाजिफ पे और भाई के साथ जाएंगे। तो पहले मैं इनको घुमा के लेके आती हूँ, अगर कुछ शॉपिंग करनी होगी तो शॉपिंग कर लेंगे और सुकून से थोड़ी देर बैठ कर आएंगे, उसके बाद नाजिफ पे के साथ फिर से जाएंगे। सो चलो गाइस, अभी फिर से ज्यारत चलते हैं। पानी पी लूँ मैं, बहुत प्यास लग रही है। इसका की किसको देनी है? रात के 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और इतनी भीड़ अब होगी, 11:54 हो रहा है, 12 बजे का टाइम हो रहा है। और चप्पल हमने यहाँ रख दी है। दूसरी देख पे हम आए अभी, एक वो वाली है जो मैंने आपको पीछे वाले व्लॉग में दिखा दी थी, इस वाली पहनी थी क्योंकि ये बन रही थी और सबसे मतलब अभी कुछ टाइम पहले बन रही थी है और अभी बिल्कुल एकदम ठंडी पड़ी हुई है। आप ये देख सकते हो कि ये जो फर्श है ना ये गर्म हो रहा है, लेकिन देख जो है वो बिल्कुल प्रॉपर ठंडी है। ये जो गुम्बद है ना ये सोने का बना हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो गाइज इसको शॉपिंग करनी है, ये रिंग्स चाहिए। भैया आपके पास ओरिजिनल पत्थर वाली रिंग्स हैं? ओरिजिनल पत्थर मिल जाएंगे मगर रिंग नहीं मिलेगी उसकी। ले लेना अगर प्यारा लगता है तो पहन लेना। अर्तुरुल गाजी वाली जो अर्तुरुल पहनता ना उस टाइप थम रिंग मेरे को मिलेंगे, बट मेरे साइज की आई डोंट थिंक सो मिलेगा। तो ये मेरे इस पे काई कबीले का चिन्ह बना हुआ है, बच्चों वाली दवाई ने निकाल के किले का मिला है मुझे, लेकिन वो वाला नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था। इस पे काई को पीले का चिन्ह बना हुआ है, अंधार है बट ये लूज ही लूज है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सॉरी बीच का अब मैं खा गई व्लॉग, आप लोग सोच रहे होंगे मैं दोबारा जा रही थी ज़्यारत पे, बट मैं नहीं गई। इतनी नींद आई ना मुझे ज़्यारत से आने के बाद कि मैं मतलब मैं चेंज भी करना भूल गई और मैं ऐसे ही सो गई और अभी उठी हूँ और अभी 8 बजने वाले हैं और हम लोगों को यहाँ से चेकआउट करना है 10 बजे, क्योंकि हम लोगों को अभी जाना है तारागढ़, वहाँ पर जाएंगे। इसलिए हम लोग अभी यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, मतलब पैकिंग कर रहे हैं, सब सामान ऐसे फैला हुआ है तो जल्दी से उठ के पैकिंग कर लेते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। खैर अभी थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है सोके, लेकिन अब भी नाराज़ हो गई भाई और अब भी मतलब दोबारा तीसरी बार में हमारे साथ नहीं गई और फोटोज़ वगैरह क्लिक करने थे, अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए मेरी। मैंने सोचा मैं ब्लॉग वो वाला जो है वो एडिट करके मैं सुबह तक अपलोड कर दूँगी, फिर व्लॉग भी नहीं एडिट हो पाया। ये वाला व्लॉग जब आएगा तब तक वो वाला व्लॉग आ चुका होगा। गाइस मैं आप लोगों से मिलती हूँ पैकिंग करने के बाद और फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर में। सो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं, हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ और हम जा रहे हैं अभी घूमने जा रहे हैं, हम अभी घूमने जा रहे हैं। तो हमारी पैकिंग जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है, बस ये बैग जो है वो कार में रखने, एक बार फिर से ज़्यारत जाना है। आपको भी ज़्यारत गए थे, आपको बताया मैं थोड़े मांगने लग गया था। लाज भी दूसरे रूम में, तो दूसरे रूम में चलते हैं। कितना नोटी हो गया इसको, इतनी डांट पड़ती है ना वान को, ये इससे ज्यादा नोटी कह रहा हूँ। लेकिन ये तो कैमरे के सामने पोज देता है भाई, आवाज नहीं देता था। जोरों शोरों पे मेकअप होता हुआ, बस लाइट मेकअप किया भाई। शाजिया बडूला एक मिनट, मैं कह रही हूँ लिपस्टिक इतनी डार्क क्यों लगाई है, तो कह रही है कुछ मिला ही, जब कुछ मिला ही नहीं। मेकअप का सामान भाई सब इसमें रखा है और सब इसमें रखा है। वेरी गुड शाजिया, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज की, बस एक चॉकलेट मिली है बैग में तो मैंने कल रख ली थी आते टाइम, तो वो खाएंगे। खुली नहीं रही, देखिए चॉकलेट खुली है। मैंने सर पर स्कार्फ पहन लिया और अब हम रूम को जो है वो लीव कर देते हैं, बस चेक कर लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया है। मेरा बैग है तो मैं बैग ले लेती हूँ अपना। नहीं कुछ नहीं, हमने गंदा कितना बचाया यार। ये है दूसरा दिन और हम लोग निकल गए हैं फिर से ज़्यारत के लिए, तो होटल से चेकआउट कर लिया है, अब हम ज़्यारत जाएंगे और थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। मैं स्लीपर में घूम रही हूँ, अपने लिए बैली लेनी है क्योंकि मैं हील्स लेकर आई थी और हील्स में मैं यहाँ पे भीड़ में तो नहीं चल सकती, पैर दुख जाएंगे, तो इसलिए मुझे स्लीपर पहनने पड़े। अभी यहाँ से बैली लेकर वो पहन लूंगी मैं। वर्को मुझे
यहाँ पे दिन का नज़ारा। और हमने जो भी मुरादें मांगी थी, इतनी सारी प्रॉब्लम थी, सब कुछ ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कैसा लग रहा है? इतने ज़्यादा आपका एक्सीडेंट हुआ था और इतनी सारी चीज़ें हुई थी, उसके बाद हम यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और जो क्या कहते हैं, सभी लोगों ने मेरे लिए दुआ की थी, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्फिडेंस लेके आए हो तो बोलो। सही है, इनने कर दी बढ़िया। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और हम इसीलिए, नाजिया ने बोला था जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा तो यहाँ पर आएंगे। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। जाने का टाइम आ गया पर सच में मन नहीं कर रहा जाने का। स्वीट स्टोर है यहाँ से, बांटने के लिए लेना है। मुझे बैली चाहिए अपने लिए क्योंकि मैं सुबह से बाथरूम स्लीपर में घूम रही हूँ। मुझे इस टाइप का सूट चाहिए था तो मुझे ना व्हाइट वाला अच्छा लग रहा है, इसलिए व्हाइट वाला ले लिया। ये है जयपुरी चुन्नी, मैं रात से ही सूट देख रही हूँ व्हाइट वाले टंगे हुए, तो मुझे चाहिए था ये वाला, तो फाइनली मैंने व्हाइट वाला ले लिया। बहुत प्यारा लग रहा है। ये लेंगे जयपुरी टाइप के, अपनी सासू माँ के लिए, है ना। कौन सा सूट लोगे आप? आपका अच्छा है, बुरा आपने तो दुकान में लेट लगा लिया। स्लीपर ले ली, इसने मोजी ले, मैंने भी मोजी ले ली, मैंने एक सूट और ले लिया। ये है चुन्नी ले रहे हैं। गाइस हम लोग कार में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं अभी तारागढ़। लोग आ गए हैं तारागढ़। जैसे खतरनाक चढ़ाई थी ना, हमें पता नहीं था कि भाई ना अभी कार चलानी सीखी थी और ऐसे माउंटेन्स वगैरह पर गए नहीं थे, पहाड़ों पे, और पहली बार ऐसे आए थे। हमें पता नहीं था कि इतनी ज्यादा खतरनाक वाली चढ़ाई होगी, वो रैंडम था हमारे लिए, बट अल्लाह अल्लाह करके आ गए। अभी नीचे उतरने में देखते हैं, इंशाल्लाह बस साथ खैरियत के नीचे पहुंच जाए। खान बुरा के दूध की ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ रही है, तो होटल पे जो है ना दूध गर्म करवाना पड़ रहा है। यहाँ पे भी दरगाह है, यहाँ पे भी दरगाह है। क्या क्या आपने ये? बाद हम आपको और सारी चीजें दिखाएंगे। सपोर्ट दे दिया पहले, अभी पहले तो अभी तो दिया, पहले नहीं था ना, जब मैं आया था ना 20 साल पहले, लगभग ये मैन मजार है जिसके लिए आप इतना पहाड़ चढ़ के आए, छोटे छोटे आपका 12,000 दरगाह है, जगह जगह जानी जाता है मैन मजार की ज्यारत करना। इनका नाम हजरत मीरा सैयद हुसैन जान दर भी आप जाएंगे, उन्होंने सोने का बनाया गया दरबार सैयद हसन सिद्धू लंदन के, उन्होंने बनाया। दरबार हजरत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। ज़ारत हो गई है, अब ज़ारत होने के बाद हम लोगों को फोर्ट पे जाना है। बहुत सारी चीज़ें जानी थी लेकिन हम अपनी कार से आए ना तो वहाँ जा नहीं सकते, वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो 1 घंटे का है। इतना खूबसूरत लग रहा है ना, इतने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, हम लोग इतनी ऊंचाई पे हैं, और मुझे ना इधर साइड जाना है फोटोज क्लिक कराने के लिए। बहुत पुराने गेट होंगे ये तलवारी। यहाँ ये भैया इनका फार्म हाउस है, ये फार्म है इनका, तो बहुत अच्छे से ये हमको टूर करा रहे हैं यहाँ का। जी सर का छोटा मोटा तो फार्म है हमारा, छोटा मोटा बतेरा बड़ा। तो पहला यहाँ पे नाम लिखे हैं सबका, अपने अपने कपल्स के, हम सिंगल है, सिंगल अपना नाम लिखे। खड़ी सीढ़ियाँ बहुत समझ के हमें पता चला फुटबॉल की तरह पीछे लुढ़क गई दोनों चढ़ गई, और ये बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, कमाल अमेजिंग। मैं ऊपर चढ़ तो गई वीडियो बनाने के लिए लेकिन अब मुझे चोट लग गई। तो फिर
बेटे ये दे दो जूती दो जूती ये देखो कैसे कुत्ती में इस पे से हम लोग आ गए हैं तारागढ़ से। अभी हम जा रहे हैं पुष्कर। ये घोड़ा गा लेके जा रहे हैं भाई। इरिटेट हो गई हूँ, मुझे चेंज करने हैं कपड़े, तो मैं वॉशरूम जाकर बस कपड़े चेंज करके आती हूँ। जीन्स और टॉप टॉप, क्योंकि मैंने आउटफिट चेंज कर लिया और मैंने ये जीन्स और ये जैकेट वगैरह पहनी है क्योंकि उसमें बोर हो रही थी थोड़ी सी और फोटोज वीडियोज भी बनानी है, तो इसलिए मैंने चेंज किया है। और अभी हम जाएंगे कैमल पे मैं बैठना है और चप्पल इसमें डाल दो। ऊपर चढ़ के इधर को लटका लेना पैर, फिर उतार लेना। गाइस हम लोग बैठ गए हैं कैमल राइड पे। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं डेजर्ट में घूमने के लिए और अंदर जो है कार्स अलाउ नहीं है, अंदर नहीं जाई जाती, तो इसलिए कार यहाँ पार्किंग में लगा के हम इससे जा रहे हैं। मैं इस पे बैठ जाऊँ इसके ऊपर? भैया इसके ऊपर बैठ जाऊँ मैं? वो वाली नहीं है। अरे बैठा दो भैया, देखो तुझसे तो मैंने कहा था ऊपर, उसके ऊपर अलग से है ट्विन वन। चल मेरे ऊँट, ये कौन सा घोड़ा है दोस्तों, देख लो घोड़ा घोड़ा ऊंट को रोटेट करवा रही है। झूलने आ रहे हैं, झूला झूला लो। और हम यहाँ से गिरना चाहें तो बहुत ही केयरफुली। भाई तो मैं भी चला लूंगी। बाइक राइड कर ली और अभी हम पहनेंगे कॉस्ट्यूम। पहन रही हूँ कॉस्ट्यूम यहाँ पे, ये वाली मस्त एकदम। ऊपर डब्बा हम तेल दे दे बहुत पर जब अपन लोग ना उड़ाई बोल। डब्बा क्या है? हैं? वो वाला लूंगी। 300 का। देखो कैमल के खाता, कैमल की डाइट बता रहे हैं अंकल जी, बड़ी खतरनाक डाइट है इसकी। हाँ शादी हमसे भी ज्यादा खतरनाक डाइट लेता है। अगर दिन होता तो और भी ज्यादा एंजॉय करते, काफी देर तक रुकते, बट हम शाम को आए थे तो इसलिए रात हो गई तो हम लोग वापस जा रहे हैं। भाई को पागल कह दिया, आपका तो छोटा भाई है। बस बस बस, हाँ देखा बिल्कुल देखा। और पीछे देखो वहाँ पर क्या देखो, यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है और हम बैठे कैमल में। ओके वो इतनी देर हो गई बुराक को ना। अभी से पता लग गया ना कैमरा है, फोर्स देने के लिए। भूख ना लग रही है अब कैमरे के सामने? पप्पू नानू पप्पू हाथ लगाइए। तो गाइस हम लोग पुष्कर से आ गए, पुष्कर से आप हम आए हैं अजमेर के सेवन वंडर्स में।
जा रहे हैं जयपुर और हम लोग रुके हैं ढाबे पे खाना खाने के लिए। मेरा तो फ़ोन भी बंद हो गया, खाना खाना मेरे लिए तो बहाना है, लेकिन मेरा फ़ोन जो है वो डेड हो गया पूरा, तो इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया, थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगा। हम इतने खाना भी खा लेंगे, उसके बाद जयपुर निकल जाएंगे, तो अभी खाना इन्जॉय करते हैं। और गाइज ये वाला व्लॉग जो है मैं यहीं एंड कर रही हूँ, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम जयपुर जा रहे हैं, तो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी जयपुर की जर्नी, क्योंकि हम जयपुर जा रहे हैं। हक्का नूडल, हाँ तो हक्का नूडल वाला जो है मान का, वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। ये वाला व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, और बाकी के जयपुर की जो जर्नी है वो भी आप लोगों को दूसरे व्लॉग में मिलेगी। सो तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। दूसरा व्लॉग देखना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि व्लॉग कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सीरियसली हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और कौन सा पार्ट ज़्यादा फेवरेट था आप लोगों का इस व्लॉग में, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, क्योंकि अब बारी है दूसरा व्लॉग स्टार्ट करने की। सो